व्यक्ति भी बहुत ही बड़ा मैच देखने को मिलेगा क्षेत्र से है तो दूसरे सितारगंज क्षेत्र से। तो अगला मैच स्टार्ट होने वाला है मलपुरा वर्सेस सरासरिया, देखते हैं कैसा रहता है मैच। और सुदखरी के खिलाड़ी यहाँ से बोतल लेके गए थे वो यहाँ पहुँचाए बोतलों में छोड़ तो कुछ तो दे दे बेचारे क्योंकि पानी की बोतल यहाँ पे दो ही है पानी पिलाने के लिए व्यवस्था बनानी पड़ती है तुरंत ही पहुँचा दें। खिलाड़ी भी बहुत ही अच्छे चुस्त दुरुस्त हैं और दोनों ही टीमें तैयार हाँ जा रहे हैं सड़क की तरफ से सर्विस दी जा रही है। मैदान जो है दर्शकों से भरा हुआ है और दर्शक पूरा आनंद उठा रहे हैं और बहुत ही अच्छा शॉट मारते हुए और ये मलपुरा की तरफ से सर्विस लेकिन जाल में फंसे सड़क की तरफ से सर्विस और ये भी बाहर और ये बहुत ही अच्छी सर्विस बहुत ही अच्छा मारते हुए और सड़ा को सड़ा और मलपुरा दोनों ही टीमें बराबर बराबर दो दो अंक के साथ आगे बढ़ रही हैं और ये अच्छा शॉट था उसे रोका और ये जाल में मारते हुए 10 नंबर के खिलाड़ी और यहाँ पर नुकसान हुआ उसकी टीम को फायदा हुआ मलपुरा को एक अंक मिला स्कोर हुआ 3 और 2। ये अच्छा शॉट मारने का प्रयास लेकिन फिर भी बाहर चली गई और ये अच्छी फील्डिंग थी और ये मारने में कामयाब रहे और ये जहाँ नेट में लिपटती हुई गेंद निकल गई लग रहा है बहुत ही हल्के हाथों से सर्विस दे रहे हैं और ये गेंद को क्रॉस करने के चक्कर में उसे पार नहीं कर पाए कामयाब भुगतना पड़ा पूरी टीम को अंक मिला सड़ा को और ये शॉट उन्होंने मारा हल्का सा अभी कोई भारी शॉट देखने को नहीं मिला है दोनों ही टीमों के जरिए अब देखना है और ये राइट गेंद को ड्रॉप डालते हुए सड़ा की टीम ने मलपुरा से और ये अच्छा ड्रॉप डालने का प्रयास किया लेकिन उसने छू लिया सड़ा के लंबे कद के खिलाड़ी और उसे आने नहीं दिया अपने ग्राउंड पर खेल दिया मलपुरा के ही पाले पर और ये अच्छी सर्विस देते हुए और ये अच्छा खासा खुला इनको मौका मिला था और एक अंक मिला यहाँ सड़ा को थोड़ा 8 मलपुरा इतनी अभी भी देखने हैं कि वापसी कर पाती नहीं कर पाती है मलपुरा की टीम अभी तो 5 अंक से और ये देखना है यहाँ पर मौका मिला है मलपुरा को एक अंक लेने का देखना है और वो अच्छा ब्लॉक रोक रहे हैं गेंद को खाली गेंद जाने नहीं दे रहे हैं खिलाड़ी दोनों तरफ के ब्लॉकर बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लॉक कर रहे हैं और किसी काम का नहीं होता और क्रिकेट में अगर ऐसा लग जाता है तो बहुत ही काम का होता है तो कृपया खिलाड़ी कोशिश करें कि ये सिक्स ना मारें बल्कि चौका ही मारें और ये सड़ा को एक अंक और मिला 10 और मलपुरा 3 और ये अच्छा हल्का सा शॉट मलपुरा की तरफ से सर्विस अच्छी सर्विस रोका उसे और मारा उसको और मारने में कामयाब रहे सड़ा के खिलाड़ी और ये हल्की सी सर्विस को मारते हुए और ये खिलाड़ी वहां तक पहुंच नहीं पा देखना होगा मलपुरा वापसी कर पाती है नहीं कर पाती है और ये बहुत ही अच्छा शॉट मारते हुए 10 नंबर के खिलाड़ी अपने टीम के लिए एक अंक भी लिया और बहुत ही अच्छा शॉट मारते हुए बहुत ही अच्छी सर्विस और इन्होंने भारी हाथ मारते हुए लेकिन उसको पूरी रीति से रोक लिया था उस गेंद को सड़ा के खिलाड़ियों ने और ये फिर से पंजा ना देकर पूरा बॉक्सिंग पूरा हाथ मारते हुए अंक लिया उन्होंने अपनी टीम के लिए लेकिन यहाँ पर जाल में मारते हुए अंक गवाया यहाँ पर सड़ा को फायदा हुआ 13-6 और ये अच्छी सर्विस और ये ड्रॉ और ये अभी अब देखना है आगे क्या खिलाड़ी करते हैं दोनों टीम के लेने की आवाज धीरे धीरे उन्होंने प्रयार का स्कोर बढ़ता हुआ 14-6
8 अंक की बढ़त बना ली है सड़ा ने, और ये अच्छा शॉट मारते हुए कोने पे ग्राउंड के अंदर गिरती हुई। अभी देखना है आगे दोनों ही टीमों के खिलाड़ी क्या करते हैं। बहुत ही अच्छा, और ये गेंद को खाली झूक ही निकलने नहीं दे रहे हैं, बहुत जबरदस्त से पूरी दीवार की तरह खड़े हो जा रहे हैं, ब्लॉक ऐसा कर दे रहे हैं कि गेंद को निकलने नहीं दे रहे हैं सूखी, और इसका पूरा फायदा पूरी टीम को मिल रहा है उसे गेंद को उठाने के लिए। और ये दूर से हल्के से मारते हुए क्रॉस किया है, ये हल्का सा मारते हुए कामयाब रहे बलपुरा खिलाड़ी। बलपुरा की टीम पिछड़ती हुई सड़ा से, और ये सड़ा के खिलाड़ी बाहर, मार बलपुरा को एक अंक मिला 9-14, और ये मारने में कामयाब रहे 12 नंबर के बंडे के खिलाड़ी, अपनी टीम के लिए एक अंक लिया, सड़ा को फायदा हुआ। और यहाँ पर देखना है बलपुरा के खिलाड़ी उन्होंने मारा बहुत ही जबरदस्त और पूरी रस्सी से ब्लॉक हुई, गेंद फिर से पार हुई है, और ये फिर से मौका मिला था और मारने में कामयाब भी रहे सड़ा के खिलाड़ी के हाथों से। और इसको यहाँ पर फिर से मौका को गवाया, यहाँ पर मलपुरा की टीम एक अंक उन्हें मिल सकता था, अंक के बजाय अंक गवाया और सड़ा को फायदा हुआ 16-10। और ये बहुत ही अच्छा मौका मिला, यहाँ अंक मिला 11-16, और ये बहुत ही अच्छा शॉट बाहर निकल गई ब्लॉक को फाड़ते हुए। देखना है ये सड़क की तरफ से सर्विस जा रही है, अच्छी सर्विस है, और ये अच्छा शॉट मारा उन्होंने लेकिन पूरी तरीके से उठा लिया। यहाँ पर सड़क के खिलाड़ियों ने बहुत ही अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं, और ये फिर से मौका हो सकता है सड़क के खिलाड़ियों को, और गेंद हवा में अभी भी गिरने का नाम नहीं ले रही, देखना है किस साइड में गिरती है, और ये गिरी बाहर और फायदा हुआ मलपुरा मिलेगा यहाँ पर मलपुरा, ये मलपुरा की तरफ से सर्विस, अच्छी सर्विस, और आप इसको पास ना दे सके, एक सर्विस में अंक लिया मलपुरा के खिलाड़ी ने, स्कोर हुआ 13-17, और ये हल्का सा सर्विस है, देखना है ये सड़ा के खिलाड़ी क्या करते हैं। बहुत ही अच्छा शॉट मारे, बाहर चली गई ब्लॉक को फाड़ती हुई गेंद, रोक जबरदस्त से उन्होंने टटिया लगाई थी लेकिन उसको पूरी रीति से झांप ना सके, और ये जाल में मारते हुए सर्विस एक अंक गंवाया अपने टीम को, स्कोर हुआ 14-18, और ये भी जाल में मारते हुए फायदा हुआ सड़ा को, एक अंक मिला 19-14 सड़क, और ये मेरे ख्याल से टाइम आउट मंजिल के करीब सड़क की टीम पहुंच चुकी है। देखना है यहाँ पर मलपुरा रोक पाती नहीं रोक पाती है, और ये राइट बाल करते हुए मौका तो बहुत अच्छा था लेकिन भी फायदा हुआ, और ये पहला सेट सड़ा ने जीत लिया 21-14 से। आज के दिन में फाइनल कराने का देखना है कि फाइनल हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इसलिए टाइम आउट का ज्यादा समय और बहुत ही, लेकिन विजयी रही सड़ा इस समय मलपुरा की तरफ से सर्विस, अच्छी सर्विस और बहुत ही बढ़िया पास, बहुत ही अच्छा ड्रॉप डाल दिया और कामयाब रहे सड़ा के खिलाड़ी। बहुत ही 10 नंबर के खिलाड़ी अपने टीम के लिए सूझबूझ के साथ उन्होंने ये ड्रॉप डाला हल्का सा शॉट मारते हुए, दूर से इन्होंने शॉट मारा उठा लिया है वहां पर सड़ा की टीम ने, और ये फिर से ड्रॉप डाला है, और ये खिलाड़ी जब उठा नहीं पाए यहाँ पर बहुत ही अच्छी एक अंक मिला, ड्रॉप काफी दूर से लंबा ड्रॉप था, और ये ड्रॉप में दोनों ही टीम यहाँ पर मलपुरा को 1-2 का स्कोर हो गया है, और ये अच्छा शॉट मारा इन्होंने और बहुत ही अच्छी फील्डिंग, और फिर से मौका मिला है सड़ा को, देखना है अंक लेते नहीं लेते हैं, और ये बाहर मार बैठे, अंक गवाया सड़ा की टीम ने, फायदा हुआ मलपुरा को, एक अंक और मिला मलपुरा की तरफ से सर्विस, अच्छी सर्विस थी, और ये देखना है क्या करते हैं, और इन्होंने शॉट मारा उठाया है यहाँ पर मलपुरा की टीम ने, और ये दूर से शॉट मारते हुए उनको रेंज बन नहीं पा रही है, अब देख बहुत ही बढ़िया शॉट मारते हुए कोई, और पूरा उन्होंने फायदा उठाया अपने टीम के लिए, और ये बहुत ही धीरे
हाथों से मारते हुए, जाल नहीं दिखा, जाल में ही मार बैठे। और जब जाल में गेंद को मार देते हैं, जाल में मारने से कोई फायदा नहीं है। और ये बहुत ही अच्छा शॉट मारते हुए खिलाड़ी अपने खिलाड़ियों से नाराज होते हुए कि अच्छी फील्डिंग करो। और ये मारते हुए आउट बॉल मार दिया और उन्होंने अच्छा 5-3 का स्कोर है अभी भी। और ये सर्विस ये अच्छे तरीके से फील्डिंग नहीं कर पा रहे इस समय बनपुरा के लिए। बहुत ही अच्छा शॉट मारते हुए सलाहता, जो टीम अच्छी फील्डिंग करेगी वही टीम विजय भी हो पाएगी, अपने लक्ष्य को पहले हासिल कर पाएगी। इसलिए इस टेनिस मैच में, टेनिस पॉइंट में कोई भी टीम को अच्छा प्रदर्शन करना बड़ा जरूरी होता है। और इस मैच के तुरंत बाद दिया और गोरी खेड़ा की दोनों ही टीमें तैयार रहे। दिया और गोरी खेड़ा, दिया गोरी खेड़ा भी। और ये बहुत ही अच्छा शॉट मारते हुए 4-7 का स्कोर। और ये बहुत ही अच्छा सर्विस, और ये बहुत ही अच्छा ड्रॉप डालते हुए कोई मौका नहीं मिला मनपुरा की टीम को। और ये बहुत ही अच्छी प्लेसिंग गई है, ये देखना है फिर। और ये बाहर मार बैठे। और ये एक अंक और मिला सड़ा को 10-4। और ये फील्डिंग नहीं हो पाई आज मनपुरा की टीम से, अच्छे से फील्डिंग नहीं हो पाई और उसका पूरा फायदा मिला सड़ा को। और ये गेंद बाहर, एक अंक। बहुत ही अच्छा शॉट मारते हुए उनकी गेंद आज बन नहीं पाई क्योंकि सप्लाई उन्होंने प्रयास को बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन जो भी गेंद अच्छी बच जाती है तो मलपुरा के खिलाड़ी बढ़ के भारी हाथ मारते हैं। मलपुरा की टीम के खिलाड़ियों की सिपार निकल गई। अब तो छोड़ते रहिए, पूरी रीति से हाथ चुकी है अपने लक्ष्य की तरफ। कड़ा बढ़ती हुई यहाँ पर रोकना होगा मनपुरा को। और बहुत ही अच्छा शॉट मारते हुए, और ये गेंद रुकी है। और यहाँ पर देखना है आगे, एक अंक ये जाल में मारते हुए सर्विस को, एक अंक मिला मनपुरा को 9। और ये अच्छा शॉट मारते हुए निकाल दिया गेंद को बाहर। और इस प्रकार से एक अंक मिला, लास्ट पॉइंट होगा कला की तरफ से। और ये गेम पॉइंट है सड़ा की तरफ से, देखना है इसको कब तक रोक पाएंगे मनपुरा की टीम। और ये पूरी तरीके से हॉपलेस हो गई है मनपुरा की टीम। यहाँ देखना है अंत में क्या करते हैं। और ये बहुत ही अच्छा शॉट मारते हुए, और ये देखना है कितनी देर तक इसे रोक पाते हैं। और ये फिर से यहाँ पर कोई फील्डिंग नहीं, दिया और गोरी खेड़ा तुरंत मैदान पर आ जाएं।